हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, क्लास टेंथ का फिजिक्स का प्रकाश का प्रावर्तन पहला चैप्टर का दो लेक्चर डाले थे और आज तीसरा लेक्चर डालने वाले हैं। उसमें प्रकाश के प्रावर्तन के नियम के बारे तक डाल दिए थे, आज हम डालने हैं समतल दर्पण से प्रकाश का प्रावर्तन। देखते हैं प्रकाश का प्रावर्तन पहला चैप्टर है, क्लास टेंथ का लेक्चर 3 डालने वाले। प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर 1 में आपका फिजिक्स पढ़ा रहे थे, आज तीसरा लेक्चर है जिसमें पहला पॉइंट आज चलेगा समतल दर्पण से प्रकाश का प्रावर्तन। आज का चैप्टर क्या है पढ़ने का पॉइंट है, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है हम लोग को, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस साइड बना लेते हैं। एक एक समतल दर्पण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, डॉटेड लाइन से जाएगा अभिलंब आपतन बिंदु, ये हो गया आपका आपतित किरण, किरण हो गया परावर्तित किरण, दर्शा दे रहे हैं उसके बाद परिभाषा में समझ लीजिए, यह आपतन बिंदु बिंदु इस समतल दर्पण है प्लेन मिरर। क्या है समतल दर्पण प्लेन मिरर, यह है आपका अभिलंब नॉर्मल, ये हो गया आपका आपतन कोण, आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक, एक डायग्राम देख लिए, एक समतल दर्पण है जिसमें ये बिंदु आपतन बिंदु है और ये जो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आपतित किरण, क्या होता है आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण को लिखेंगे, आपतित किरण का होता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। देखिए कोई समतल है, समतल दर्पण है, कहता है किसी सतह पर आने वाली प्रकाश, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कि कोई सतह है इस पे आती है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली वाली किरण, जैसे अभिलंब को अभी मिटा देते हैं यहाँ पर, फिर से हम दर्शा देंगे,
पहले बात किए हैं आपतित किरण को, किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसमें इसको दर्शाएंगे ए ओ आपतित किरण है, क्या है, ए ओ आपतित किरण है, किरण है जो आने वाले प्रकाश की दिशा को दर्शाती है। ये वो आप किरण है जो आने वाली प्रकाश की दिशा को बतलाता है या दर्शाती है। ये कोई समतल सतह है, किसी सतह पर आने वाली प्रकाश, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये वो आपतित किरण है जो आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है। उसके बाद आपतन बिंदु, इसके बाद क्या देखेंगे, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्या है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण से जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या लिखे हमने, जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ पर आपतन बिंदु है, यानी कि कोई समतल सतह है उस पर पहले क्या लिखे थे, आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किससे टकराता है, आपतन बिंदु, आपतित किरण से, बिंदु को आपतन बिंदु है। क्या लिखे, जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, परावर्तित किरण। किसी जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा, पहले बात किए आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात करने वाले हैं परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण, किरण परावर्तित किरण, क्या लिखे, परावर्तित किरण, जिस माध्यम में
चलकर कर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण से टकराकर जिस बिंदु पर किसी माध्यम में जिस माध्यम में चलकर कर आपतित किरण की सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या लिखे? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण की सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ये कोई माध्यम है भी, इस माध्यम में जाकर और आपतित किरण से उनसे टकरा कर लौटती है। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण की सतह से टकराती है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौटी गई किरण को आप परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे अभिलंब की। अब क्या बात करेंगे? अभिलंब। नॉर्मल यानी कि अभिलंब। चौथा पॉइंट क्या है? अभिलंब किसी समतल सतह के तह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा? अभिलंब। यानी कि कोई समतल सतह है, कहता है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। डॉटेड लाइन क्या है? लंब, तो उसी को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो ठीक, अभिलंब जान गए। उसके बाद हम क्या जानते हैं? आप जानेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण।
ये हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, कोण आई जो होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। क्या हुआ? परावर्तन कोण। तो पांचवा पॉइंट आप लोग का क्या है? आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण तो जानते हैं, आपतन मतलब आपतित, आपतन के बगल में कौन है? आपतित। परावर्तन के बगल में परावर्तित किरण। तो आपतन कोण का परिभाषा जानेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतित किरण, आपतन कोण मतलब आपतित किरण, ओकरा बगले वाला आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से लंब से जो कोण बनाती है, बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तन कोण कहते हैं। क्या लिखे? आपतन कोण। उनका डिफिनेशन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो कोण AON इज इक्वल टू कोण आई आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। क्या बताए? आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण AON बराबर कोण I यानी कि आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। तो अगला देखते हैं, परावर्तन कोण। छठा पॉइंट होगा आपतन कोण हो गया, पांचवा, छठा होगा परावर्तन कोण। छठा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण माने क्या कहे थे? परावर्तित किरण। परावर्तन कोण के बगल में है परावर्तित किरण, आपतन कोण के बगल में था आपतित किरण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण, सॉरी, परावर्तन कोण ने लिख रहे हैं, आपतित किरण ने लिखेंगे परावर्तित किरण आपतन बिंदु क्या लिखे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है
बनाती है की है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कहते हैं, क्या लिखे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसका हो जाएगा कोण बी ओ एन, परावर्तित इसको क्या माने हैं? बी, कोण बी, ये कोण ए ओ बी, ओ आपतन बिंदु है, बी है परावर्तित किरण, ए आपतित किरण, बी ओ एन इज इक्वल टू कोण आर, परावर्तन कोण है, कौन है, क्या है? परावर्तन कोण है। तो आप लोग देख लिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर देख लिए, उसमें छह पॉइंट। पहला पॉइंट बताए आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, दो पहला बताए आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित किरण, चौथा बताए आपतन कोण, नहीं चौथा बताए अभिलंब, पांचवा बताए आपतन कोण, छठा बताए परावर्तन कोण। तो ठीक, इसका छह पॉइंट पढ़ लिए। उसके बाद अभी आएंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, तो देखते रहिए। क्लास टेंथ का फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर में आप लोग ने प्रकाश के बारे में जाने, इसके बाद दीप्त पिंड जाने, तब अदीप्त पिंड जाने, तब किरण क्या होता है, किरण पुंज जाने थे, जैसे अभी जानने वाले हैं फिजिक्स में। अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पॉइंट पढ़े हैं? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, इसका छह पॉइंट पढ़ लिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अभी पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, इमेज, क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, इमेज लिखते हैं क्या होता है? किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब से आ रहे प्रकाश की किरणें, की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन, उनसे परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है कि होती है, है उसे उस बिंदु स्रोत को
प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखे? किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। तो 2 मिनट में इंक डाल लेते हैं, तब देखते हैं। मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, तुरंत ही देखते हैं। अभी प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखे? किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक, पहले वास्तविक का बात जान लेते हैं। क्या? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखे थे? सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में। इसका प्रतिबिंब, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को
प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद बोले प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग जान लिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नोट पॉइंट में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अगला है दूसरा पॉइंट काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार में सिर्फ दोनों का डिफिनेशन सब एक ही समान ही होता है, सिर्फ इसमें वास्तविक रूप से और काल्पनिक में काल्पनिक। दूसरा पॉइंट क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज VIRTUAL वर्चुअल इमेज IMAGE। किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या लिखा मैंने, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान से बनता है या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब का एक नोट पॉइंट जानिए। काल्पनिक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। देखे थे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार दो होते हैं। पहले जाने थे प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंब से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक काल्पनिक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक देख लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब तक, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार तक देख लिए। अगले वीडियो में लेकर आएंगे काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या लिखे, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। नेक्स्ट देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में AI के साथ आएंगे फिजिक्स का। थैंक यू।